हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जिल अकेडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड आल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक माई सेल्स सौरभ अबोटी हम पालमपुर वाला टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ रहे थे हमने उसमें कई चीज़ों के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर कितनी फैमिलीज़ रहती है कैसे ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर रोड्स कैसी है इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है वहाँ पर उसके बाद हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ा हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा लैंड लेबर ऑफ कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा तो ये यहाँ तक हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर हम फार्मिंग पालमपुर को ही वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पर जो लैंड है जो फिक्स्ड है वहाँ के ट्वेल्व मंथ में जितने भी सीज़न होते हैं चाहे वैदर रबी सीज़न होता है खरीफ सीज़न होता है या उसके बीच में अगर टाइम मिलता है तो वहाँ के जो फार्मर्स है लैंड को यूटिलाइज़ करते रहते हैं ठीक है वहाँ पर वो रबी के टाइम पर जो है वो वीट को ग्रोन करते हैं खरीफ के टाइम में वो कुछ ऐसी क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं जिससे कैटल फीडिंग के लिए वो काम आ सके उसकी बाद जो बीच में टाइम मिलता है रबी और खरीफ के टाइम में तो वहाँ पर वो पोटैटो ग्रो कर देते हैं इसके साथ साथ हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ जो फार्मर्स है वो शुगर केन ग्रो करते हैं फिर उससे जैगरी बनाते हैं और जैगरी वो शाहपुरा में ट्रेडर्स को बेचते हैं तो आगे पढ़ते देखिए द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप सिस्टम ऑफ इरीगेशन कैसे पॉसिबल है कि वहां के जो किसान हैं वो तीन तरह के क्रॉप उगा रहे हैं रबी भी उगा रहे हैं खरीफ भी उगा रहे हैं और जायद भी उगा रहे हैं यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पालमपुर के अंदर इरीगेशन की फैसिलिटी क्या है बहुत अच्छी हो रखी है मतलब वहां पर इरीगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका देखिए एक सिंपल सा लॉजिक देखिए कि हम जहाँ राजस्थान के जिस पार्ट में रहते हैं वहाँ पर जो किसान होते हैं वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है मानसून के ऊपर डिपेंड है ठीक है अगर बारिश अच्छी होगी तो उनकी क्रॉप भी क्या होगी अच्छी होगी जब बारिश नहीं होती पानी की जो कमी होती है तो वो क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाते तो कई सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर खरीफ की क्रॉप नहीं होती या कहीं पर रबी की क्रॉप नहीं होती तो पानी की अव जो नॉन अवेलेबिलिटी है उस वजह से वहाँ पर क्या होता है क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते जबकि पालमपुर में क्या है वो कितनी क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं कितनी टाइप्स की थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप रबी खरीफ एंड जायद रीजन क्या है इरीगेशन अब देखिए इरीगेशन हो गया अच्छा हो रहा है वहां पर तीन तरह की क्रॉप हो रही है अब उस क्रॉप को भी सेल भी तो करना पड़ेगा जितना वो यूज कर रहे हैं वो अपने पास रख लेंगे सेल्फ यूज के लिए ठीक है उसके फैमिली के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा होगा सरप्लस होगा उसे तो सेल करना पड़ेगा तो सेल में क्या काम आएगा जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा उस जो सेल में काम आएगा अब ये जो हमें इरीगेशन की बात करें थे ये कैसे पॉसिबल है द मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड पहले के टाइम में क्या हो रहा था पहले के टाइम में जो था वो पर्शियन व्हील यूज हो रहा था पर्शियन व्हील कुछ ऐसा होता देखिए एक व्हील होता है यहां बकेट्स बनी हुई होती है छोटे छोटे बर्तन बर बकेट जैसे बाल्टी जैसे ठीक है ये यहां से कनेक्ट होता है यहां ये कनेक्ट होता है यहां पर यहां से एक यहां किसी भी एनिमल को मान देते हैं काऊ है ऑक्स है उनको और फिर वो गोल गोल घूमते हैं एनिमल जो है वो गोल गोल घूमता है तो जैसे जैसे गोल गोल घूमता है ये भी गोल गोल घूमता है यहाँ नीचे होता है पानी रिवर होती है यहाँ पे नीचे रिवर होती है तो जैसे है। तो जैसे गोल घूमेगा ये पानी को भरेगा और ऊपर जाएगा ठीक है और ऊपर जाते ही ये पानी को यहां से नीचे गिराएगा क्योंकि वो जो जो बाल्टी है वो जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर एक जगह पर ऐसा होगा कि जो पूरी टिल्ट हो जाएगी जैसे वो टिल्ट होगी तो पानी नीचे गिरेगा जहां पानी नीचे गिराएगा उस जगह पर एक पाइप होता है ऐसा जहां से पानी जाकर खेतों में चला जाता है ये पर्शियन लोग लोगों ने इन्वेंट किया था ठीक है इसी वजह से इसे पर्शियन व्हील कहते हैं आज से कई सालों पहले ये पर्शियन व्हील जो है वो भारत में आई थी ये टेक्निक जब पर्शियंस यहां पर आए थे तो वो अपने साथ में इसको लेकर आए थे इस टेक्निक को यह तो पुरानी बात है पर्शियन व्हील अभी भी कई गांवों में यूज होती है वैसे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो चुकी है पर अभी पालमपुर के लोग क्या कर रहे हैं ये तो पुरानी बात कर रहे थे हम सून स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट अब ज्यादातर लोगों ने क्या किया अपने फार्म जो है उस वहां पर क्या लगा दी है ट्यूबवेल्स लगा दी है ठीक है ट्यूबवेल को वो क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं एज ए रिजल्ट बाय मिड नाइन द एंटायर कल एरिया ऑफ टू हेक्टर टू हंड्रेड हेक्टेयर वर्स इरीगेटेड इसका क्या रहा प्लस पॉइंट ट्यूबवेल की वजह से जो पूरा हेक्टेयर एरिया है पूरा पालमपुर का जो है वो इरीगेटेड हो सकता है तभी तो पानी मिल रहा है पानी की अवेबिलिटी है तभी तो वो तीन तरह की क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं ठीक है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग ये देखिए डेफिनेशन है मल्टीपल क्रॉपिंग की जब एक ही लैंड के ऊपर दो या दो से ज्यादा तरह की क्रॉप को ग्रोन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है ठीक है ये इरिगेशन और ये इसके बारे में आगे आपके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ये तो व्हीट कब मैंने बताया था आपको उसमें रबी के टाइम में ये कैटल फील्ड के कैटल फीड के, के, के लिए ये सुगर केन से जैगरी गुड़ बनाते थे और ये पोटैटो रबी और खरीफ के बीच में एक ही लैंड यूज कर रहे हैं एक इसको इनको सबको ग्रोन करने के लिए तभी तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग हुआ रबी में व्हीट बाजरा फिर सुगर केन पोटैटो एक ही यूज कर रहे हैं इनके लिए तो भाई अलग से लैंड हो गया इनको तो टाइम ज्यादा चाहिए ये ट्वेल्व मंथ लगभग लेते हैं टेन टू इलेवन मंथ जो है इनको ग्रोन करने में टाइम लगता है ठीक है तो इनके लिए ज्यादा चाहिए जो है समय बाकी वीट बाजरा और पोटैटो एक ही लैंड पर वो ग्रो कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग देखिए ये अंडर एरिया अंडर कल्टीवेटेड फार्मिंग है ये भारत के कुछ एरियाज है जो देखिए कितने <coughs> जैसे आसाम है जहां पे 160 हेक्टेयर जो है वो कल्टिवेटेड लैंड है ये 160 है यहाँ देखिए 20 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर गुजरात में देखिए कर्नाटक में देखिए सबसे ज़्यादा 15,000 थाउजेंड मिजोरम में 2447 फोर्टी है उड़ीसा में है पंजाब में है तमिलनाडु में देखिए इन हेक्टेयर्स में स्टेट वाइज एरिया अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बता रखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है मतलब जो सरकार को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और खेती करते हैं अब देखिए ये सब चीजें हो गई वहां पर जो लैंड हो गया फिक्स हो गया उसके बाद हमने पढ़ लिया कि पर इरीगेशन की फैसिलिटी है तो एक साथ क्रॉप करते हैं इसके साथ भी कुछ फैक्टर्स हैं देखिए क्या फैक्टर्स हैं वो यूज कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स में वो देखिए आपने सुना होगा एच वाई वी सीड्स एच वाई वी सीड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स ये जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनसे ज्यादा बेटर प्रोडक्शन करते हैं ठीक है इनमें जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा आउटपुट देता है आपको कंपेयर टू जो लोकल सीड्स होते हैं उससे ज्यादा ठीक है इसके साथ साथ वो मॉडर्न फार्मिंग में एक तो ये यूज करते हैं एक वो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स वो भी कैसे केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर्स इसके साथ पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ठीक है और पहले के टाइम में किससे होती थी फार्मिंग में यूज क्या करते थे ऑक्स को यूज करते थे अब किससे यूज करते हैं अब तो ट्रैक्टर आ गए तो ये सारी जो चीज़ें हैं एच वाई वी सीड्स यूज करना और ऑक्स की जगह ट्रैक्टर यूज करना थ्रेशर यूज करना ठीक है और केमिकल uh, फर्टिलाइजर्स यूज करना मैन्यर यूज करना ये सारे पेस्टिसाइड यूज करना ये सारी क्या कहलाती है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक और ये सारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स कौन यूज कर रहा है पालमपुर के फार्मर्स यूज कर रहे हैं द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स लगाई थी फिर जैसे जैसे लोगों के पास वहां पर जो है वो प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया ट्यूबवेल्स की वजह से तो सभी जितने भी

वो यूज करते थे तो इनमें क्या होता था इसमें लेस वाटर चाहिए इनमें पानी कम चाहिए ये पानी कम पीते हैं ये कम पानी पीते हैं पर जैसे मैंने बताया वो उन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एच वाई वी सीड एच वाई वी सीड्स को ज्यादा पानी चाहिए उन्हें ज्यादा इरिगेशन के लिए चाहिए तो वो किससे पॉसिबल था ट्यूब वेल्स की वजह से पहले के टाइम में ये तो एक तो ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे उसके बाद वो क्या करते थे काउडंक यूज़ करते थे नेचुरल मेन्यूअर की तरह और फर्टिलाइजर की तरह जी ठीक है जैसे प्राकृतिक खाद होती है जैसे आप अगर अभी आप अगर आपके घर में आप पेड़ पौधे रखते हैं प्लांट्स हैं आपके घर में या आपके पास बगीचा है तो आप जब आ, करने जाते हैं तो आप वहाँ से पूछते हैं तो उनसे पूछना कभी आप कि नेचुरल फर्टिलाइज़र है रहेगी आपके पास ठीक है तो वो दो तरह के बताएगा एक तो नेचुरल मेन्यूअर बताएगा नेचुरल खाद जो काउडंग से या जो पत्तियां वगैरह होती हैं उससे बनती है प्लांट्स से सड़े गले जो प्लांट होते हैं उनको इकट्ठा करके बनाते हैं या एक होता है केमिकल केमिकल से ग्रोथ अच्छी होती है पर उनके कुछ साइड इफेक्ट भी है जैसे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है ज्यादा पानी चाहिए ठीक है ये तो पहले की बात थी 1970 के पहले की ये 1970 के पहले की बिफोर और ये आफ्टर की बात है आफ्टर 1917 हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था क्योंकि हमारे भारत के सभी जगहों पर क्या हो रहा था प्रोडक्शन कम हो रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसे हरित क्रांति कहते हैं इसमें कुछ स्टेट्स के अंदर मेनली पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से बिहार के कुछ हिस्सों के अंदर जो किसान थे उनको एनकरेज uh, किया गया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो उनको बोला गया आप एच वाई सीड्स यूज़ कीजिए आप ट्यूब का यूज़ कीजिए आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कीजिए जिससे भारत सेल्फ सफिशिएंट हो सके अपने प्रोडक्शन के अंदर ठीक है ताकि भारत को किसी और देश से इम्पोर्ट नहीं करना पड़े फूड आइटम्स वीट हो गया uh, इसमें अपने दालें हो गई और भी कई जो चीज़ें हैं जो फूड ग्रेन्स हो गए वो किसी दूसरे देश से मंगाना नहीं पड़े इस वजह से भारत ने क्या किया अपने 1960 के करीब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया भारत में इसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने एच सीड्स यूज करने स्टार्ट कर दिए एच यूज सीड्स हाई हाईडिंग वेराइटी ऑफ सीड्स ठीक है मेन रीजन था हम किस में सेल्फ सफिशेंट होना चाहते थे हम व्हीट और राइस में सेल्फ सफिशेंट होना चाहते थे ताकि हमें ये दोनों चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करवानी पड़े एच वाई वी सीड्स हाउर नीड इड प्लैंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेडिशनल सीड्स जो है वो कम पानी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर उसमें नेचुरल मेन्यूअर ऑफ़ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं पर एच वाई वी सीड्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक तो उन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और उन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए ठीक है ये हानिकारक है बहुत ये इसके माइनस पॉइंट्स में आता है हाई रिस्क सीड्स पर पॉसिबल ऑनली फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ एच वाई वी सीड्स इरीगेशन केमिकल एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स अब ये सिर्फ इन्हीं की वजह से ये चीजें चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एच वाई वी सीड्स इरीगेशन केमिकल एंड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप द ट्यूब वेल्स फॉर इरीशन मेड यूज ऑफ एच वाई वी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट एज द फार्मिंग और पालमपुर के लोगों ने यही किया उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवल्यूशन को अडोप्ट किया उसको अडोप्ट करके उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनको यूज करना बंद कर दिया एच वाई वी सीड्स यूज किए इसकी इसके कारण उन्हें ट्यूब वेल्स को अडोप्ट करना पड़ा ट्यूब ट्यूबवेल्स क्योंकि उन्हें इरीगेशन की जरूरत ज़्यादा पड़ रही पड़ रही थी एच वाई वी सीड्स थे तो उन्हें जो नेचुरल मैन्यूर्स वगैरह थे उनको क्विट करके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है पेस्टिसाइड्स है उनका यूज करना पड़ा इन सब का एक ही जो था वो मोटिव था इंक्रीज प्रोडक्शन वाई इंक्रीज प्रोडक्शन क्योंकि हमें पता है एक ही बात लैंड इज फ़िक्स्ड। आप लैंड को स्ट्रेच नहीं कर सकते देखिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर का यूज़ एच यू सीड्स का यूज़ फर्टिलाइजर्स का यूज़ आपने देखा होगा पेस्टिसाइड्स वो घरों में भी दवाई छिड़कते हैं एक मेडिसिन वो पीछे बांध कर और कुछ इस तरह से स्प्रे करते हैं ताकि जानवर नहीं लगे उनको डैम्स भी आता है मॉडर्न फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है पंप सेट्स कैनाल्स डीजल ये सब मॉडर्न फार्मिंग का है मेथड है ठीक है ये पहले जो हम फिफ्टी या उससे पहले या उसके जो कई सालों पहले करते थे ये सब चीजें काम नहीं रही थी इसकी जगह ऑक्स हो जाता था इसकी जगह ऑक्स हो जाता जा जा था तो ये तो चाहिए ही नहीं ऑक्स को डीजल नहीं चाहिए ठीक है ये नहीं होते थे इसकी जगह वेल्स थे ठीक है इसकी जगह नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे नेचुरल फर्टिलाइजर्स नेचुरल मैन्यूर्स तो ये चाहिए नहीं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं क्योंकि मशीनरी नहीं होती थी सारा काम लेबर हाथ से होता था तो पुराने समय में ऐसे काम होता था आज के समय में मॉडर्न फार्मिंग है तो ये सब चीजें की रिक्वायरमेंट चाहिए इम पालमपुर दील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी थर्टीन 13 1300 जी पर हेक्टेयर ये पहले जितना प्रोडक्शन होता था उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन पालमपुर के अंदर बढ़ गया रीजन ये की था उन्होंने एच वी वाई सीड यूज करने स्टार्ट कर दिए नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ टू सेल इन द मार्केट अब एच वी वाई सीड से फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में सपोज एक जो फार्मर है वो हंड्रेड के जी ग्रो करता था ठीक है उसकी फैमिली को पूरे साल में लगभग थर्टी के जी चाहिए था तो तो इसका पर्सनल यूज हो गया बचा सेवेंटी के जी ये इसे मार्केट में बेच देता था इसे सरप्लस कहते हैं देखिए पे वर्ड जो आया ना सरप्लस सरप्लस का मतलब होता है कि जितना जितना फूड ग्रेन्स है वो आप अपने फैमिली के लिए रख लो जितना आप यूज कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए उसके बाद जो भी बचेगा वो सब बेचने के लिए काम आएगा सेल करने के काम आएगा ठीक है उसी से उसकी इनकम आएगी डेट इज सरप्लस तो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतना सरप्लस मिलता अब सपोज उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग स्टार्ट कर दी मॉडर्न में उसका एच सीड से ये हंड्रेड का थाउजेंड हो गया कुछ फैमिली मेंबर्स बढ़ गए होंगे तो चलो, चलो हम मान लेते हैं वो अब हंड्रेड के यूज कर रहा है अपने फार्म, अपने फैमिली के लिए फिर भी कितना बच गया 900 हंड्रेड के जी अब 900 केजी और 70 केजी आप बता सकते हैं दोनों में से ज्यादा किसका आउटपुट आएगा किसे ज्यादा अर्निंग होगी ठीक है इसी से ज्यादा अर्निंग होगी और ज्यादा अर्निंग होगी तो उसके जो लाइफ स्टाइल है जो लाइफ स्टेटस है वो भी क्या होगा वो वही बढ़ेगा अब पहले की जो फार्मिंग होती थी उसमें है ना हाथ में वो कहते हैं ना कि कैश इन हैंड नहीं चाहिए होता था पहले की फार्मिंग में क्या कैश इन हैंड होता था जो ट्रेडिशनल uh, सीड्स होते थे वो तो क्रॉप से जो हो जाती थी उसी से मिल जाते थे बाकी काउडंक हो गया जो नेचुरल मैन्यर हो गया वो मिल जाता था गाय मतलब गा, जो एनिमल्स होते थे उससे मिल जाता था नेचुरली मिल जाता था और जो वेल्स वगैरह है वो पहले थे तो पानी तो वहाँ पर जो था मानसून के ऊपर डिपेंडेंट था तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रेडिशनल तो जो फार्मिंग होती थी उसमें कैश इन हैंड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ठीक है कहीं से भी फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते थे पर जैसे ही मॉडर्न फार्मिंग को अडोप्ट किया अब मॉडर्न फार्मिंग में डीजल चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए पेस्टिसाइड चाहिए एच वी वाई सीड्स चाहिए ये सब किस कैसे आएंगे कैश से आएंगे, आएंगे। इसका मतलब मॉडर्न फार्मिंग की सबसे बड़ी क्या थी मोर कैश देन बिफोर पहले जितना कैश चाहिए था उससे ज्यादा लोगों को कैश चाहिए था हाथ में ताकि वो मॉड फार्मिंग को क्या कर सके स्टार्ट कर सके ल द लैंड सस्टेन अब देखिए लैंड क्या इस चीजों को सस्टेन कर पाएगा ठीक है तो पढ़ते हैं इसमें लैंड बींग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू वेरी केयरफुल इट यूज साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट द मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स है नेचुरल रिसोर्स बेसिस इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं हमें सपोज ये लैंड का नीचे वाला हिस्सा है ठीक है इसमें चार तरह के मिनरल्स हैं ए बी सी डी समझना आपको ये समझना कि कैसे जो है लैंड का जो है वो साइंटिफिक जो कह रहा है कि ओवर यूज किया जा रहा है अब पहली बार किसी फार्मर ने अपनी जो है वो क्रॉप ग्रोन करी फर्स्ट टाइम क्रॉप ग्रोन कर ली कुछ हिस्सा ए का चला गया मतलब इसको चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए इनको तो न्यूट्रिशन चाहिए तो ग्रो करने के लिए इन्होंने न्यूट्रिशन ले लिया ए का बी का ले लिया सी का ले लिया डी का ले लिया और ये उसने कट कर दी क्रॉप फिर उसने वापस से क्रॉप ग्रोन स्टार्ट कर दी नेक्स्ट टाइम और की फिर ए का हिस्सा चला गया फिर बी का चला गया सी का नहीं गया डी का चला गया तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशंस थे ए बी सी ये तो गायब हो गए इसका मतलब अब लैंड बैरन होने लग गया बैरन मतलब ओ, आ, अब उपजाऊ नहीं है वो लैंड अब इसमें और ज्यादा हम जो है क्रॉप ग्रोन नहीं कर सकते क्योंकि वो उगेगी नहीं क्योंकि न्यूट्रिशंस तो सारे खत्म हो गए इसका रीजन एक और था कि जो आ, इन्होंने जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया था केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज किया था केमिकल फर्टिलाइजर से ये लैंड की जो है वो ओवर यूज होने लग गया और ओवर यूज होने की वजह से वो लैंड अब किसी काम का नहीं रहा तो एक ये तो प्रॉब्लम होगी एच यू आई सीड्स को यूज करने की ऑल्सो कंटिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ ट्यूब वेल्स इरीगेशन वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड एक और प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की कैसे अब देखिए जैसे ये लैंड है ये पानी है ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर है अब उसने ट्यूब में लगाई और वाटर कोल यूज करना स्टार्ट कर दिया अब ये जो ग्राउंड वाटर है ये कहां से आ रहा है ये आ रहा है, है रेन से जो रेन का जो पानी होता है जब रेनी सीजन आता है जब पानी जब आता है अर्थ के ऊपर तो जो पानी है वो अर्थ एब्जॉर्व कर लेती है एब्जॉर्व होकर वो एक जगह पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं तो इसका एक फिक्स प्रोसेस है ठीक है और इसकी भी एक अपनी लिमिट है सपोज ये एक किसी एक फार्मर के जो है लैंड के ऊपर एक ट्यूबवेल है जिसके अंदर मैं सम कहता हूं हंड्रेड लीटर वाटर आता है सपोज एग्जांपल हंड्रेड लीटर आता है हर बार बारिश आती है तो उसमें टेन लीटर एड होता है ध्यान रखना कितना लीटर होता है टेन लीटर एड होता है ठीक है अब उसने ट्यूबवेल लगाई उसने फर्स्ट ईयर जो है उसने थर्टी लीटर पानी को यूज कर लिया तो सेवेंटी लीटर बचा प्लस टेन लीटर और ऐड हो गया तो अब पानी कितना बच गया नेक्स्ट सीजन के लिए सिर्फ एटी लीटर पहले कितना था हंड्रेड लीटर फिर अगली बार उसने यूज किया थर्टी तो फिफ्टी लीटर बच गया फिर प्लस बारिश आई तो टेन लीटर और जो एड हो गया तो बचा कितना सिक्सटी लीटर ऐसे करते करते वो ज्यादा ज्यादा यूज करता रहा और जो स्टोर होने की जो कंडीशन थी वो तो टेन लीटर फिक्स थी क्योंकि नेचुरल है वो तो और कभी बारिश नहीं हुई तो वो स्टोर भी नहीं होगा जरूरी भी नहीं है तो ऐसे करते करते ये ग्राउंड वाटर भी क्या होने लग गया ख़त्म होने लग गया तो जो ट्यूबवेल्स थे वो भी खत्म होने लग गए ठीक है क्योंकि ओवर यूज हमने पहले ही पढ़ा था सीड्स को क्या चाहिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए वन डेस्टोर इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर डैम बहुत मुश्किल है इन्हें रिस्टोर करना ग्राउंड वाटर का जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवाइ टू एंश्योर फ्यूचर केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली इफ अवेलेबल टू प्लांट्स देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और वो फिर जो होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं तभी तो अभी आप देखिए अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि अभी भी हम जो प्लांट्स जो हम जो भी यूज़ कर रहे हैं फूड ग्रेन्स वगैरह है या वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसमें कहा जा रहा है केमिकल्स बहुत यूज़ हो रहे हैं तो रीज़न यही है कि के केमिकल ज़्यादा एब्जॉर्व किए जा रहे हैं जो हमारे लिए भी ख़राब है और प्लांट्स और उस लैंड के लिए भी क्या है खराब है आज के लिए इतना ही अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसमें पालमपुर का लास्ट पार्ट खत्म करेंगे इस पार्ट में हमने कई चीजों के ऊपर डिस्कस किया लैंड सस्टेन है या नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स एच यू सीड्स मॉडर्न फार्मिंग इन सभी का हमने हमने डिस्कस किया नेक्स्ट टॉपिक में हम बचे हुए पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे थैंक यू एवरी वन है गुड डे थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSE, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.